ये कला है, ये सम्मोहन क्या जी, हिप्नोटिज्म इंग्लिश का शब्द है, हिप्नोटिज्म तो एक साइंस है। आज मान लिया लंदन में मेरे शो थे, शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे पहुंचे घंटा लेट, ज्यादा लोग वगैरह डॉक्टर था वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ, वो मेरे घड़े में 7 बजे अब दूसरे घड़े बजे बैठ जो नीचे हमारे बजे खड़े हैं इतने पब्लिक के वो कौन मैनेजमेंट करते हैं प्रोग्राम वगैरह इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, कोई चीज़ कहीं से काट दूँ मैं यार बीच में नहीं बोलना मैनेजमेंट जैसे रेड में ब्लू में ग्रीन में अब ऐसे करते हैं अब ऐसे किया अब आपको क्या दिक्कत है अब ये थोड़ी देर हाँ वो भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैंने जादू के माध्यम से लाखों लोगों के अंधविश्वास दूर किए हैं और इसके अंदर भी आप कई आइटम देखेंगे जो हम लोग बोलते भी हैं वे वास्तव में आप ये ज़्यादा ये चक्रों में ना पड़े और अंधविश्वास को बढ़ावा न दें। मतलब आप है ना अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। अब माले काफ़ी लोग कहते हैं इसके अंदर तंत्र मंत्र यंत्र, अब माले तांत्रिक विद्या होती है, तंत्र का मतलब रसायन से होता है और मंत्र का मतलब जो हम उच्चारण करते हैं बोलते हैं, यंत्र इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं। इसलिए ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जी जो लोग आजकल के जादू को जादू टोना से जोड़ दिया, कोई कहते हैं जी इसके अंदर बलि का होता है वो, ऐसी कोई ये एक फाइन आर्ट है। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं जो 23,000 शो सिर्फ चैरिटी के लिए किए जी, 1,70,00,000 मैंने सरकार को डोनेट किया जी। जो भी अच्छे मतलब जब भी देश में कोई मुसीबत आई हमने अपने शो किए, इसलिए एक फाइन आर्ट के रूप में आप लोग देखो और ये एक शुद्ध कला है, 64 कलाओं में एक कला है। और सरकार से भी हमारा आग्रह है भी अगर 5 एकड़ जगह अगर एकेडमी के लिए वो दें, 1 साल का डिप्लोमा टाइप से हम सरकार से चाहते हैं भी बाद में जादू सीखने के बाद उनको रोजगार भी मिले ताकि ये कला पनप सकती है। शंकर जी पूरे देश के अंदर अभी एक खबर हाईलाइट हुई सभी टीवी चैनल्स पर सभी अखबारों पर चोटी कटने की, हाँ जी तो इसके पीछे जो भ्रांतियाँ कैसे इसके लिए ऐसे जी चोटी कटने की जो मैंने भी काफी पेपरों में पढ़ा सुना टीवी पे भी देखा, लेकिन ये लोग हैं ना जी ये कई मानसिक रोगी हैं। मैं आपको बताऊं ऐसे किसी की कोई चोटी काट ही नहीं सकता, ये सब अंधविश्वास हैं और आप लोग भी अंधविश्वास में सहयोग दें और ये ऐसे ही लिखे भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती, मतलब इस प्रकार की कोई किसी की चोटी कोई काट ही नहीं सकता।